रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने 5 नई लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस ग्रांट किया है। ये लैंग्वेजेस हैं बंगाली, एसएमईज, मराठी, पाली एंड प्राकृत। 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने लैंग्वेजेस की एक नई कैटेगरी बनाई जिसका नाम रखा गया क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा वो लैंग्वेज है जिसकी अपनी एक रिच हिस्टोरिकल लेगेसी है और एक डिस्टिंक्टिव कल्चरल हेरिटेज है। इससे पहले इस लिस्ट में 6 लैंग्वेजेस ऑलरेडी थी। सबसे पहले तमिल जिसे 2004 में इंक्लूड किया गया, संस्कृत जिसे 2005 में इंक्लूड किया गया, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। और जो नई 5 लैंग्वेजेस ऐड की हैं, इसके बाद इंडिया में अब टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। किस लैंग्वेज को ये स्टेटस ग्रांट किया जाएगा ये डिसाइड करती है एक एक्सपर्ट कमेटी। उस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट, जिनके अलावा इस कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ 4 से 5 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स भी होते हैं। लेकिन ये स्टेटस ग्रांट करने के बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1, जिस लैंग्वेज को ये स्टेटस ग्रांट किया जाता है उस लैंग्वेज को गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है उसकी स्टडी को प्रमोट करने के लिए। नंबर 2, यूजीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में उस लैंग्वेज के लिए सेपरेट प्रोफेशनल चेयर्स एस्टैब्लिश कर सकता है। एंड नंबर 3, उस लैंग्वेज के स्कॉलर्स को 2 प्रोमिनेंट अवार्ड्स के लिए रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। बट यू नीड टू रिमेम्बर दैट क्लासिकल लैंग्वेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो हैं जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है। नाउ यू टेल मी हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डस इंडिया हैव। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कीप फॉलोइंग।